नमस्कार, स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। तो ये सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो सखियां, मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बहार आती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती, क्या ये स्वभाव नहीं है? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें इतनी आजादी भी ना देंगे। मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं है। वह उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया, नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डिग्री फिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के लिए पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वे देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की सैर के बिना उन्हें कहां चैन। मध्य एशिया और चीन का तो ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो, जिसकी वे आलोचना ना कर सकते हो। और ये केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वे अन्य उपासक हैं। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन तुमसे क्या कहूँ कि प्रातः काल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरा चित्त की दशा क्या हो जाती है। ये उन पर न्योछावर होने के लिए विकल हो जाता है। ये मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझसे उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है उनका अध्ययन आधी रात तक बैठे किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी नहीं किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम ना था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ ना किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय ना पा सकी तो बहन मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सोना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसी कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाएं। कल तो अनर्थ हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुरा दिए। वह कुल्टा भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्या अभिमान ना दे। चुड़ैलों की सी तो आपकी सूरत है पर अपने को अप्सरा ही समझती है। आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं भी छप गई हैं। बस आप जमीन पर पांव नहीं रखती। सच कहती हूँ थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लूं। खैरत हुई कि दोनों में बातचीत ना हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे तक मैं उनसे बोल न सकी। जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही ना था, वाणी में वह रसी ना था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मंसूबे बांध चुकी थी। अगर ये भय ना होता कि विनोद मुझे ओछी और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को ना स्पष्ट कह देती। मैं संपूर्णता उनकी होकर उन्हें संपूर्णता अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपमान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर नहीं देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति ये भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा, तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी जरूरत है। ये मेरी जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो 7 बज गए और अभी तक बाल नहीं बनाए। विनोद के आने का समय भी तो हो गया। अब विदा होती हूँ, कहीं आज फिर अभागनी कुसुम अपने बरामदे में ना खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो ये सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वह हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को समझा ना सकूंगी। तुम्हारी प्रज्ञा। गोरखपुर प्रिय प्रज्ञा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुधि तो आई।
मैंने तो समझा था शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। ये उस निष्ठुरता का दंड ही है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ है और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं। पूरे 2.5 महीने बाद वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो उसी से मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वो दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना खड़ी होती तो तुम्हें कोई मेरी याद थोड़ा ना आती। खैर, विनोद की तुमने जो तस्वीर खींची वह बहुत ही आकर्षक है और मैं ईश्वर से मना रही हूँ वह दिन जल्द आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना। विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। हाँ, तुम्हें अख्तियार है जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं ना उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना। इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए बल्कि इसलिए कि वह देखता रहे कि वह सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साथे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई। बारातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हों। और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500-500 तक पहुंच जाती थी। ये 5ों लड़कियां मुझसे छोटी हैं और मेरा बस चलता तो भी 3-4 साल तक न बोलती। लेकिन मेरी सुनता कौन है। और विचार करने पर भी मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना थोड़ा ना है। अगर माता पिता अकाल मर जाएं तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने काफी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणता होता है पिता ऋण का भार छोड़ गए तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। ये भी अन कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है और जब तक हमारी आर्थिक दशा ना सुधरेगी ये रस्म भी नहीं मिटेगी। अच्छा, अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन ये घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए जाऊंगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, कभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील हैं। सुनती हूँ कई गांव हैं, कई मकान हैं। अच्छी मर्यादा है उनकी। मैंने अभी तक वर को तो देखा नहीं। पिता ने जी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दो, पर मैंने भी कह दिया कोई जरूरत नहीं है। कौन घर में बहू बने है तकदीर ही का सौदा। न पिताजी ही किसी के मन में बैठ सकते हैं, ना मैं ही। अगर 2 एक बार देख लेती, नहीं मुलाकात ही कर लेती तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। नहीं, ये तो संभव नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है। मेरे दोनों बड़े बहनोई सुंदर के पुतले ना हो पर कोई रमणी उसे घृणा नहीं कर सकते। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवन बिता रही हैं। फिर पिताजी मेरे साथ ही क्यों अन्याय करेंगे। ये मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो। और फिर हमेशा पुरुषों का ही दोष थोड़ा होता है, बहुत स्त्रियां ही विष का गांठ होती हैं। मैं तो विवाह को सिवा और त्याग का व्रत समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला दो। जो जो इस व्रत का दिन निकट आ रहा है मुझे एक अज्ञात शंका हो रही, मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगे। जरूर आना बहन चंदा। प्यारी चंदा मंसूरी, सैकड़ों बातें लिखनी है चंदा, किस क्रम से शुरू करूं समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी, मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना हूं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्म समर्पण करके मुझे ऐसा मुक्त कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुधि न रही। वह प्रेम के अंतःस्थल से निकले हुए उष्ण आवेशमय और कंपित शब्द अभी तक कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है। हाँ, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ग संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहती है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी। कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बात नहीं करते देखती थी। कुसुम नित नए आभूषणों से सजी रहती थी और क्या कहूँ। एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धुनते रहते। मैं माननी तो नहीं हूँ, सोचा जब ये उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है इनके लिए अपना सिर क्यों खपाऊं। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया तबीयत अच्छी नहीं है। और जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया ना, तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी कि साफ कह दूंगी अब आप ना ही आया कीजिए।
मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ भाई, विदुषी भी नहीं हूँ, सुभाषिनी भी नहीं हूँ। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, भर कमरे में आई और विनोद के सतृष नेत्र देखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होंठ। बहन उस आवेश का चित्रण ही नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी ना दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों में कट गया, पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम। यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी, अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया था। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें न ईर्ष्या है न तृष्णा, सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये सात दिन कैसे करते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग, काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। आठवें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं दो भिन्न जल धाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विवाह यात्रा की तैयारी पहले ही से हो चुकी थी। प्रातःकाल मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी पर ना जाने क्यों वो राजी ना हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेघ मालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही हैं। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा ही नहीं होती। बहन तुम इस आनंद में जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया, डोटी तैयार है। नौ बजे बस्ते सैर करने निकल गए, किसी जल प्रपात के किनारे जा बैठे। वहां जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम किरणा देख रहे हैं। 11 बजे बस्ते लौटे, भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वह झूमने ही लगते हैं। तीसरे बार हमें घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहां से लौट कर शयन करते हैं। न सास की घुड़कियां है, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने हैं। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है, फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ है, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे ये लो 5 बज गए, विनोद तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ एक बात तो भूल ही जा रही थी, अपने विवाह का भी समाचार लिखना। पति देव कैसे हैं तुम्हारे और रंग रूप कैसा है? ससुराल गई या अभी मैके में ही हो? हाँ ससुराल गई तो वहां के अनुभव अवश्य लिखना मेरे साथ। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी, घर कुटुम्ब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुंह देखा होगा, है ना? खूब परीक्षा हुई होगी तुम्हारी तो। ये सभी सारी बातें विस्तार से लिखना, देखें कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी प्रज्ञा। प्रज्ञा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे ना आने से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हार ले गए हैं, मगर ये ना समझी थी कि तुम मसूरी पहुंच गई हो। अब उस आमोद प्रमोद में भला करीब चंदा को क्यों याद करने लगी? अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो, मैं लोकलाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा अब मेरी बीती सुनो। धान दहेज के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब है नहीं, पिताजी ने बड़ा ही उदार दे पाया है, खूब दिल खोल कर दिया होगा। मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कंठा थी वह दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। धार पर बारात आई, सारा जवाना वर को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूं, छत पर गई पर वहां से भी कुछ न दिखाई दिया। हाँ इस अपराध के लिए अम्मा जी ने घुड़कियां जरूर सुनाई। मेरी जो बातें लोगों के अच्छी नहीं लगती थी उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे ही मर देते थे। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते थे, मगर किस किस का मुंह पकड़े। द्वारचारी तो यूं गुजरा और भावरों की तैयारियां होने लगी। जन्मासी से कहनों और कपड़ों का थाल आया, बहन सारा घर स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम को रोता है। अम्मा जी तो सचमुच रोने लगी, मानो डुबा दी गई।
वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता था ना, तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती थी। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी है, रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हसमुख हैं। इन सूचनाओं से दर्शन उत्कंठा और भी प्रबल हो गई। भावरों का मुहूर्त जो जो समीप आता था, मेरा चित व्यग्र होता जाता था। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी ना देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम का अनुभव होने लगा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है, तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ था, मैं उनकी बोली तक नहीं सुनी थी। लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, अब वही मेरे सर्वस्व हैं। आधी रात के बाद भावरे हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे, दीपक जल रहा था, कुछ देवता की मूर्ति रखी हुई थी, वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवत्व की ज्योति से प्रदीप्त जान पड़ते थे। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया, तो ये कोरी रसम की पाबंदी ना थी। मैं अग्निदेव को अपने सम्मुख मूर्तिवान स्वर्गीय आभा से तेजमय देख रही थी। आखिर भावरे भी समाप्त हो गए, पर पतिदेव के दर्शन न हुए। अब अंतिम आशा ये थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे ना, उस समय देख लूंगी, तब उनके सिर पर मोर ना होगा। सखियों के साथ मैं भी बिठा दी जाऊंगी और खूब जी भर कर देखूंगी, पर क्या मालूम था कि विधि कुछ और ही कुछ चक्र रचा रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ तो जनवासे के खेमे उखड़ रहे, बात कुछ न थी। बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफी ना था, शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानते ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहां रहे शेर बनकर रहे, बोले जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई जरूरत नहीं है। कन्या पक्ष का धर्म है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार के ये तो नहीं है ना कि धमकी और से काम लिया जाए, मानो किसी का अवसर का पड़ाव है। अगर वे अपने लड़के की शादी कर सकते, तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कहीं और कर सकता हूँ। बारात चली गई और मैं पति के दर्शन बिना कर सकी, सारे शहर में हलचल मच गई, विरोधियों को हंसने का अवसर मिल गया। पिता ने जेब में बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखे मैं ससुराल की निंदा ही कर रहा था, उजड़ है, लोभी है, बदमाश है, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता था। लेकिन पति के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं कानून पड़ता है, मूछ दाढ़ी आ गई है, उसे अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वह भी भिग्गी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी, कुछ बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्ही से पूछती हूँ, जैसे समस्या उठ खड़ी हुई थी, उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वे अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना ना मानते, तो उनका अपमान ना होता? उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा मामला ठंडा होने पर वे आ जाएंगे। मैं अभी से उनकी राह देखने लगी हूँ। ढाकिया चिट्ठी लाता है तो दिल में धड़कन होने लगती है, शायद उनका पत्र भी हो। जी मैं बार बार आता है, क्यों ना मैं ही एक पत्र लिख दूं, मगर संकोच में पढ़कर रह जाती हूँ, शायद मैं कभी ना लिख सकूंगी। मान नहीं है कि केवल संकोच है, पर हाँ, अगर 10-5 दिन और उनका पत्र ना आया या वह खुद ना आए ना, तो संकोच मान का रूप धारण कर लेगा। क्या तुम उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए, क्या मेरी अपनी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं ये ना लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है क्षमा करना ऐसी भद्दी गलती की। तुम्हारी ओर से शंका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ, मगर मैं समझदार ही कब थी। तुम्हारी चंदा।